नमस्कार सभी किसान साथियों, वेलकम टू माय चैनल नेट हाउस फार्मिंग सॉल्यूशन। आज हम देखते हैं कि रेड स्पाइडर माइट की पहचान कैसे करें और इसको रोकने के हमारे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं और साथ में हम इसका जीवन चक्र भी समझते हैं। जैसे अभी हमारा गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है तो इस टाइम पर हमें रेड माइट का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि गर्मियों में जैसे ही हमारा टेम्परेचर 30+ होता है उस टाइम पे इसका अटैक शुरू हो जाता है। आप ये देख पा रहे हैं रेड कलर की जो छोटी छोटी जूं टाइप से दिख रही है, ये इसको ही हम रेड स्पाइडर माइट कहते हैं। ये मेनली हमारे जो पत्ते के बैक साइड बैठी हुई दिखती है, ये देखिए ये छोटे से प्लांट पे ही दिख रही होगी आपको। और जब इसका क्रॉप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रकोप, तो ये क्या करती है कि जाल सा बना लेती है। अगर आपको अपने खेत में जाल दिख रहा है बना हुआ, तो इसका मतलब कि आपके खेत में रेड माइट का अटैक हो चुका है और उसकी संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी है। और ये जब चलती, अगर आपने इसको क्लियर देखना है तो आप इसको लेंस की हेल्प से देख सकते हैं। उसमें तो आपको ये प्रॉपर दिखिए, ये मैं लेंस की हेल्प से वीडियो बना रखी है कैसे प्रॉपर चलती हुई दिख रही होगी, बिल्कुल बारीक सी होगी और ये चलती हुई ऐसे चलती हुई दिख रही होगी आपको। तो इसको रोकने के हमारे पास काफ़ी तरीके हो सकते हैं। और ये क्या करती है, जिस प्लांट पे बैठती है उसको क्या करती है, रस पीना शुरू कर देती है, जिससे हमारे क्या होता है प्लांट का जो सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं। देख रहे हैं फोटो में, ये वाइट कलर के डॉट आपको ऊपर से दिख रहे होंगे ये पत्ते के ऊपर से। ये क्या होता है, जब स्पाइडर माइट हमारी नीचे की साइड बैठी होती है तो ये पौधे का रस पीना शुरू कर देती है, जिससे ये जो हमारे डॉट होते हैं ये हमें पौधे के ऊपर की साइड से दिखते हैं। और इसका क्या होता है, जैसे ये रस पीती है और ये हमारे प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं करने देती और हमारा फ्रूट नहीं बनता, और उसके बाद तो हमारा प्लांट धीरे धीरे डेड होने पे लग जाता है। ये आपको फोटो दिखेगी, देखिए ये रेड स्पाइडर माइट का ही असर है इस पर। और इसके बाद तो जब बिल्कुल ही हाई उसमें फैल जाती है तब ये देखिए ये बिल्कुल हमारा प्लांट मर चुका है। अब तो हमारा प्लांट, इसमें जाला भी आपको कहीं पर दिख रहेगा, अब तो ये किसी काम का नहीं है। तो अगर इसको हमने रोकना है, रोकथाम करनी है, तो सबसे पहले हम इसका लाइफ साइकिल समझते हैं। देखिए अगर आपके खेत में कोई भी अडल्ट रेड माइट आ चुकी है तो 2 से 3 दिन में वो अपने एग देने शुरू कर देती है, और जो एग होते हैं उसको 2 से 5 दिन लगेंगे उसको लार्वा में कन्वर्ट होने में। और जब वो लार्वा होता है वो भी हमारा रस पीना शुरू कर देता है, और लार्वा को अब 2 से 3 दिन लगते हैं निम्फ में कन्वर्ट होने में, और जो निम्फ से तो 5 से 6 दिन में ये फिर से हमारी जो अडल्ट बन जाती है, अडल्ट स्पाइडर माइट बन जाती है, और उसके बाद ये फिर से एग देना शुरू कर देती है। ये एक टाइम में 50 से 100 एग देती है। तो अब आप खुद ही देख लिए कि अगर एक स्पाइडर माइट इतने एग देती है तो अगर इसकी अगर ये होएगी कुछ मात्रा में होएगी तो ये एग दे के तो बहुत ज़्यादा। इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो हम जैविक तरीकों की तरफ जाएंगे, जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं नीम ऑयल हमारा 1500 ppm का, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा हमें। और दमन 303 यूज़ कर सकते हैं हम बायो की। एक चीज़ और, अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप कोशिश करिए, देखिए जैसे हमने स्प्रे करवाई है पंप, जो हमारा स्प्रे पंप का फुहारा था उसको बेड पे रख के नीचे की तरफ स्प्रे करवाए, क्योंकि ये मेनली पत्ते के बैक साइड बैठती है ना, तो हम इसको वहीं से ही स्प्रे करवाएं तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रह सकती है हमारे लिए। और एक चीज़ और, अगर आपके खेत में रेड माइट आ गई है और आपने एक बार स्प्रे करवा दी है, तो अगर आप सोचते हैं कि वो एक बार स्प्रे करवाने से ही वो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो 95% भी रिज़ल्ट दिया है, उसके बाद अगर 5% रहेगी तो उसने फिर से वही एग प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद फिर इतनी ही संख्या में हमारे खेत में दोबारा से रेड माइट फैल जाएगी। तो आप इसको रेगुलर मॉनिटरिंग करिए, अगर आपको दोबारा से कहीं पे दिख रही है तो दोबारा से आप स्प्रे करिए, और इसको प्रॉपर हमने बिल्कुल ख़त्म करनी है एक बार खेत से। अगर ख़त्म होएगी तभी ही हम अच्छी फसल ग्रो कर सकते हैं। देखिए इसके रासायनिक तरीकों की तरफ जाते हैं, तो इसके मिट्टी साइड की बात करूँ तो हमारा एबरून काफ़ी अच्छा है, और हम मजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। और एक देखिए मैंने फ़ोटो शेयर की है एबसिन की, ये काफ़ी अच्छे मिट्टी साइड है, आप इनको ज़रूर यूज़ करिए और अपनी कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।